हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सलमान है और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वर्क कैसे करता है। चलिए हम जानते हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है, ये कैसे काम करता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड या कागज पेपर के माध्यम से संपर्क नहीं होता है। इसमें लेजर प्रिंटिंग द्वारा तकनीकी दी जाती है, इसलिए इसकी क्वालिटी हाई होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो अनेक विधियों के जैसे होते हैं, जैसे कि लेजर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंक प्रिंटर, आपका पोर्टेबल प्रिंटर हो गया, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर हो गया और थर्मल प्रिंटर। तो ये इतने प्रकार के प्रिंटर आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। एक एक करके हम समझेंगे कि ये प्रिंटर जो है वो कैसे काम करते हैं और उनमें कौन कौन सी फैसिलिटीज होती है, कौन कौन से फीचर्स होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं लेजर प्रिंटर के बारे में। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में 1970 के दशक से हो रहा है। पहले से मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रयोग किए जा रहे थे। 1980 के दशक में लेजर प्रिंटर का मूल्य लगभग $300 था। ये प्रिंटर आजकल अधिक लोकप्रिय हो गए हैं क्योंकि ये अपेक्षाकृत अधिक तेज और उच्च क्वालिटी में टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को छापने की क्षमता रखते हैं। अधिकांश लेजर प्रिंटर में एक अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर रैम लगी होती है, रैम या रोम का इसमें यूज किया जाता है। यह प्रिंटर भी डॉट के द्वारा ही कागज पर प्रिंट करता है, परंतु ये डॉट बहुत ही छोटे व पास पास होने के कारण स्पष्ट जो प्रिंट होते हैं या स्पष्ट प्रिंटिंग होती है। इस प्रिंटिंग में कॉटेज का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा सूखी स्याही यानी कि इंक जो होती है, टोनर होता है, उसे भर दिया जाता है। लेजर प्रिंटर के कार्य करने की विधि मूल रूप से फोटोकॉपी मशीन की तरह होती है, लेकिन फोटोकॉपी मशीन में तेज रोशनी का प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर 300 से 600 dpi यानी कि डॉट पर इंच तक इसके भी सभी रेजोल्यूशन पर छाप देता है, आपके कैरेक्टर्स को छापता है। रंगीन लेजर प्रिंटर उच्च क्वालिटी का रंगीन आउटपुट देता है। इसमें विशेष टोनर का प्रयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न रंगों का भी प्रयोग किया जाता है, विभिन्न रंग उपलब्ध होते हैं। यह प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं क्योंकि इनके छापने की गति जो होती है वो उच्च होती है, हाई क्वालिटी की ये प्रिंटिंग करते हैं, तथा यह प्लास्टिक की शीट या अन्य शीट पर आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने 3-in-1 प्रिंटर देखा होगा, जैसे आप फोटोकॉपी कराने जाते हैं वहां पर HP का प्रिंटर रखा होता है, लेजर जेट जो M1005 है ना, तो वो भी लेजर प्रिंटर। उसमें आवाज कम होती है यानी कि साउंड कम करता है, ये अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग करता है और 3-in-1 प्रिंट कर देता है, जैसे कि आपका स्कैन हो गया, फोटोकॉपी हो गई और प्रिंट हो गया। ये तीन प्रकार के वो काम कर सकता है। तो वो प्रिंटर जो आता है वो लेजर प्रिंटर में आता है। अब यहां पर हम देखते हैं लेजर प्रिंटर की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। उच्च रेजोल्यूशन इसमें होता है, उच्च प्रिंटिंग यानी कि अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग कर देता है और बड़ी मात्रा में छपाई के लिए उपयुक्त है। कम कीमत में ये आपको मिल जाता है। लेजर प्रिंटर की जो कमियां हैं वो है जो इंकजेट प्रिंटर से अधिक महंगा है, टोनर तथा ड्रम का इसमें बदलना पड़ता है बार बार, ठीक है, और ये महंगे भी होते हैं। इंकजेट प्रिंटर से बहुत बड़ा तथा भारी होता है। तो इंकजेट प्रिंटर जो कि कलर प्रिंटर होता है, कलर वगैरह फोटोकॉपी वगैरह जो होती है उनमें यूज किया जाता है। तो ये हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ रहे हैं, जिनमें से आपका ये वाला प्रिंटर आपने जरूर से देखा होगा, तो ये देख लेना बाकी। उसके बाद एक और होता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर कुछ इस प्रकार का होता है जो कि रिसिप्ट वगैरह निकालने के लिए यूज किया जाता है, ATM मशीन में लगाया जाता है ये प्रिंटर। एक होता है फोटो प्रिंटर। फोटो प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर फोटो स्टूडियो में अच्छी क्वालिटी की फोटो प्रिंट करने के लिए, कलर प्रिंटर भी होता है। इसके बाद होता है इंक जेट प्रिंटर, यानी कि इसमें चार तरह के ड्रम लगाए जाते हैं। CMYK के मोड पर यह चलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। इन चार कलर से मिलाकर आप किसी भी प्रकार के कलर को, रंग को बना सकते हैं और प्रिंटिंग कर सकते हैं आसानी से। एक होता है पोर्टेबल प्रिंटर, जो कि आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं और आसानी से प्रिंट कर सकते हैं।
है, हैंडी होता है, यानी कि आप हाथ में पकड़ के कहीं पर भी ले जा सकते हैं, या फिर आप सफर कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, तो उसके लिए ज्यादातर इसका यूज किया जा सकता है। मल्टी फंक्शनल ये प्रिंटर है, ठीक है, मल्टी फंक्शनल ऑल इन वन प्रिंटर, यानी कि इसमें सभी प्रकार की प्रिंटिंग की जा सकती है, दोनों साइड इसमें हम प्रिंट कर सकते हैं, एक बार पहले और फिर उसके बाद नीचे, यानी कि आप दोनों साइड इसमें प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो ये थे इम्पैक्ट प्रिंटर। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा जो वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। इम्पैक्ट प्रिंटर हमने पहले समझे थे और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमने अभी समझा। तो ये जो छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वो समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, अगर नहीं आया समझ में तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो जरूर करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से कर सकते हैं, आपको यहाँ पर यूजर नेम आपको दिखाई दे रहा होगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर से हमसे पूछ सकते हैं, और इसी तरह के वीडियोस देखने के हमें फॉलो जरूर से कर लें। और चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।